नमस्कार, मैं हूं दर्पण सोनी और आप लोग देख रहे हैं आईबीएन 9। सड़क हादसे में एक की मौत। पुलिस के हाथ आया अवैध शराब का बड़ा कारोबारी। गायत्री परिवार ने नशा मुक्ति के अंतर्गत निकाली जागरण रैली। पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। पत्रकारों से मुखातिब हुए नवागत एसपी विजय ढुल। यूपी के श्रीवस्ती जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और चालक की वहीं मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली तेजी से आ रही थी और ब्रेक ना लगने की वजह से ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और मौके पर ही चालक की मौत हो गई। फिलहाल वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के श्रावस्ती से अतुल पांडे की रिपोर्ट। थाना गोहान के सुरावली गांव में एक शराबी सुनील द्वारा लोगों से अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने पर लोगों ने घबरा कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को पकड़ा और उसके घर की तलाशी लेने के बाद बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली, जिसमें 3000 देशी शराब के क्वार्टर और लगभग 5000 खाली क्वार्टर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। फैक्ट्री मालिक अनिल जाटव को हिरासत में लिया गया। यूपी के जालौन से मनीष राठौड़ की रिपोर्ट। गायत्री परिवार द्वारा उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत आज एक रैली निकाली गई। रैली को जिला अधिकारी अजय दीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गायत्री मंदिर से निकलकर पीपल चौराया होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली को रवाना करने के बाद जिला अधिकारी अजय दीप ने बताया कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त करने के लिए सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है और प्रदेश सरकार भी इस ओर अग्रसर है। और आपने देखा कि जो है अभी शराब की दुकानों के संबंध में भी बहुत सख्त निर्देश प्राप्त हुए थे और ये कहा गया कि स्कूलों से और धर्मस्थलों से इनको दूर किया जाए और किसी भी प्रकार से राजस्व की आड़ में नियमों का उल्लंघन न किया जाए, इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुए थे। हमें खुशी है कि गायत्री परिवार ने इस मामले में पहल की है और नशे को समाप्त करने के लिए, शराब के प्रयोग को समाप्त करने के लिए और नई जनरेशन को शिक्षा और विकास की दिशा में ले जाने के लिए गायत्री परिवार की इस पहल की मैं प्रशंसा करता हूँ। यूपी के बहराइच से नित्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र सिरसिरिया के अंतर्गत अवैध देसी तमंचे का कारोबार करने वाला गिरफ्तार। अभियुक्त का नाम कामता प्रसाद वर्मा है, जो सिरसिरिया के चेलाही गांव में रहने वाला है और काफी दिनों से देसी कट्टे का सप्लाई कर रहा था, जो आज मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और थाना सिरसिरिया के एसआई गजेंद्र बहादुर सिंह ने छापेमारी कर चेलाली से गुजरा की तरफ जा रहे युवक को पकड़ने की कोशिश की तो युवक भागने लगा और तुरंत प्रभात राय ने अपनी साथियों के साथ उसे धर दबोचा। उससे 4 कट्टे बरामद किए गए। इसके बाद तुरंत थाना सिरसिरिया में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। जो हमारे स्वाट प्रभारी हैं श्री प्रभात कुमार, उनके टीम के द्वारा एक व्यक्ति, जो कि मुखबिर की सूचना पे उनको जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि 4 अवैध तमंचे कंट्री मेड पिस्तौल लेके आ रहा है और वो उसको किसी को बेचने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के ऊपर उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 अवैध शस्त्र उससे बरामद हुए, जिसमें 2 315 बोर के तमंचे थे और वो दोनों उस व्यक्ति को उसके साथ गिरफ्तार किया गया। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि उसके जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इससे रिलेटेड है कि वो कहाँ से उन तमंचों को लेके आया और आगे वो किसको बेचने के फिराक में था, तो वो सब जानकारी उससे लेने के बाद उसमें फिर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के श्रावस्ती क्षेत्र के सिरसिरिया से शिवम कश्यप की रिपोर्ट। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस ऑफिस में नवागत एसपी विजय ढुल ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार की मंशानुरूप अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी व साथ ही लापरवाह व दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाएगा। एसपी ने कहा कि जनता में विश्वास कायम रखने के लिए पुलिस व्यवहार में सरलता लाने की कोशिश की जाएगी। सम्मान को बिना चोट पहुँचाए उसको सुना जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जो भी उसमें गुण दोष के आधार पर कि जो शिकायत है उसका निस्तारण किया जाए और जिससे कि वो संतुष्ट हो चुके और पुलिस के साथ अप्रोच करने में, पुलिस को थाने में आने में उसके मन में कोई डर या संकोच या इस टाइप का कुछ ना रहे। वो एक, जैसे कहते हैं, फ्रेंडली पुलिस, ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम पुलिस विभाग को लोगों के और पुलिस के बीच में जो गैप है, जो खाई है, उसको जितना कम से कम पाटने का प्रयास करेंगे कि लोग पुलिस से और पुलिस लोगों से एक दूसरे की मदद करके हम
यूपी के श्रावस्ती से अतुल पांडे की रिपोर्ट। ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए IBN 9।